लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश में चुनाव का जिम्मा सौंपा है। पूर्व सीएम की इस नियुक्ति को लेकर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। कांग्रेस आलाकमान के 15 सदस्यीय चुनाव समन्वय समिति को हरी झंडी देते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसको लेकर आज दादरी में भी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल धनखड़ की अगुवाई में समर्थकों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के गले मिलकर पूर्व सीएम की नियुक्ति का स्वागत किया। हरियाणा प्रदेश के जो इंचार्ज है जनाब गुलाब नबी आजाद साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कर दिया है कि हरियाणा कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, उनके नेतृत्व में हमारे हरियाणा कांग्रेस की कमान रहेगी। उसी की खुशी में आज हम हमारे आदरणीय राहुल गांधी का धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा की मांग, हरियाणा के किसान की, हरियाणा के जवान की, हरियाणा के गरीब की, हरियाणा के मजदूर की एक मांग थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव हो और कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस का जो भी आगे का भविष्य है उनके हाथों में हो। तो हमारी जो एक आम जन भावना थी वो राहुल गांधी ने सुनी और उनको अध्यक्ष बनाने का कार्य किया। जी खुशी में हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज लड्डू बांट के अपनी खुशी का जाहिर किया और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुबारकबाद दी और हमारे नेता राहुल जी को धन्यवाद किया। देखा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल हरियाणा को नंबर वन पहुंचाने का कार्य किया है। तो जब से बीजेपी की सरकार आई है हर वर्ग, 36 बिरादरी और हर वर्ग त्रस्त है और सबकी एक ही मांग थी कि जो 10 साल का राज्य था हरियाणा में वो राम राज्य का काम था और हर आदमी, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जवान हो, चाहे बेरोजगारी युवा हो, सबकी यही डिमांड थी कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आए। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। ये थे समय की बड़ी खबर। समय समय पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए यस टीवी।